तो ये रही अपनी लाल परी। और देखिए क्लच चेंज कर ही लिया मैंने फाइनली। आपको पता होगा मेरे अगर ओल्ड वीडियोस देखते होंगे तो क्लच का थोड़ा प्रॉब्लम था। और ये देखिए इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इसकी वायर है, ये पूरा का पूरा चेंज हुआ, पूरा क्लच लीवर स्विच तक। देखिए मैं आपको स्विच दिखाता हूँ, इसका स्विच कहाँ पे होता है। चाबी लगाई नहीं थी मैंने बाइक को। ये देखिए जो नीचे की साइड में ये देखिए जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये स्विच होता है। तो ये पूरा का पूरा चेंज हुआ। और देखिए इसकी प्राइस है 625 रुपीज़, और ये सर्विस चार्ज के साथ 680 रुपीज़ में मुझे आया। ये मतलब 680 में पूरा हो गया, तो मुझे लगता है ये अच्छा पड़ा मुझे काफ़ी। और ये है ओल्ड वाला, ये भी मैंने अपने पास ही रहने दिया है। और ये देखिए स्विच, तो ये पूरा स्विच के साथ है, पूरा वैसा का वैसा मैकेनिक ने मुझे दे दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, बाइक आपकी क्रैश हो सकती है कभी भी, या कुछ अदर रीजन की वजह से ये टूट गया। क्योंकि देखिए क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त की बाइक थी 4V ही, तो वो गिर गई थी एक साइड में, तो ये टूट गया था। देखिए अभी बाइक का इतना ज्यादा वेट भी इस पे आएगा तो ये टूटेगा ही, तो अगर ये ऐसा हुआ तो ये भी उसके लिए रहने दिया है इमरजेंसी के लिए। स्पेयर पार्ट्स इतने महंगे नहीं है टीवीएस के। आपकी क्या राय है टीवीएस के स्पेयर पार्ट के बारे में, कमेंट कीजिए।